हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जिन स्टूडेंट्स का चंडीगढ़ के कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हुआ है किसी भी काउंसलिंग में, नहीं ना फर्स्ट में ना सेकंड में, तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए और उन स्टूडेंट्स के पास क्या क्या ऑप्शन हैं कि वो एडमिशन करवा सकते हैं अपनी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला ऑप्शन तो आप लोगों के लिए है ओपन काउंसलिंग, और इस वीडियो में ओपन काउंसलिंग पर डिटेल बात होगी। उसके बाद सेकंड ऑप्शन की भी मैं बात करूंगा कि ओपन काउंसलिंग में भी अगर आपका नहीं होता तो क्या ऑप्शन है, और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। सो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम हैंडल @RJShubhamChandel को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि ओपन काउंसलिंग के बाद के अपडेट्स और भी जो सडन अपडेट्स होते हैं जिनको आपको मैं डायरेक्ट लिंक वगैरह प्रोवाइड करवाता रहता हूँ इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अभी हम हैं DHE की साइट पर और आप यहां पर देख सकते हैं ये डेट्स। मैं हर एक वीडियो में आपको दिखा रहा हूं इन डेट्स को, क्योंकि ये डेट्स जो हैं वो इम्पोर्टेड हैं। तो एडमिशन विल बी डन एट कॉलेज लेवल फॉर द वैकेंट सीट लेफ्ट इन ईच कोर्स फ्रॉम 26 to 5 September 2022। तो 26 से 5 September के बीच में आप लोगों को कॉलेज में जाना है, कॉलेज लेवल पर एडमिशन होगा। इसका मतलब आपको कॉलेज में जा करके अपनी सीट कन्फर्म करवानी है। जब आप कॉलेज में जाओगे, मैं पिछले साल वाला बता देता हूँ आपको कि पिछले साल ओपन काउंसलिंग में कैसे हुई थी। कॉलेज में जाते हैं स्टूडेंट, वहाँ पर पता करते हैं कि सीट खाली है या नहीं, उसमें आपका थोड़ा बहुत फाइनल ले सकता है कोई कॉलेज की, जो आपके फ़ाइन होते हैं लेट एडमिशन का या कुछ भी, तो उन फाइन्स को ले करके, या आपके फॉर्म वगैरह ना भरने का फ़ाइन, तो वो फ़ाइन ले करके आपको कह देते हैं कि आप फ़ी पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही आप फ़ी पेमेंट करते हैं, वहाँ पर रिसिप्ट जमा करवाते हैं, उसके साथ के साथ ही आपका एडमिशन जो है वो कन्फर्म हो जाता है। इतना सा ही प्रोसेस है ओपन काउंसलिंग का। ओपन काउंसलिंग में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और अपने पेरेंट्स को भी साथ ले जाना है अगर आपने हॉस्टल वगैरह के लिए अप्लाई करना है। तो ओपन काउंसलिंग का यही प्रोसीजर है कि आप लोगों को जाना है कॉलेज में, कॉलेज में जाकर के डिपार्टमेंट ऑफिस में पता करना है कि कितनी सीटें खाली हैं, क्या है। वैसे सीटें खाली होने का मैं आपको बता दूं कि ये जो DHE की मेन वेबसाइट है जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, DHE वेबसाइट का फर्स्ट पेज, तो यहाँ पर जैसे ये वाइट में लिखा हुआ है प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट सेकंड राउंड काउंसलिंग, तो 25 तारीख को शाम को यहाँ पर जो है वो लिस्ट अपलोड हो जाएगी कि कितनी कितनी सीटें जो है खाली हैं। आप उसी हिसाब से जो है वो कॉलेज में जाइए और कॉलेज में जा करके पता कीजिए कि सीटें खाली, जिस कॉलेज में सीट खाली है उस कॉलेज में जा करके पता कीजिए कि ओपन काउंसलिंग में आपको एडमिशन मिल सकता है या नहीं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आप DAV कॉलेज में चले जाइए, SD में चले जाइए, सेक्टर 26 खालसा में आपको खाली मिलने वाली है सीटें। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आपको खाली मिलने वाली है, MCM में आपको सीटें खाली मिल सकती हैं, सेक्टर 26 गर्ल्स खालसा कॉलेज में आपको सीटें खाली मिल सकती हैं। इन कॉलेजेस में आपको काफ़ी सारे कोर्सेज ऐसे हैं जैसे BA BCOM, तो इनकी सीटें खाली मिल सकती हैं, और BSc नॉन मेडिकल वालों को तो सीटें खाली मिलने वाली ही हैं, कन्फर्म है। तो ओपन काउंसलिंग में आप लोग इन कॉलेजेस में जा करके अपनी एडमिशन करवा सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों का ओपन काउंसलिंग में भी नहीं होता, इसके बाद का भी मैं आपके पास बैकअप प्लान बता देता हूं कि क्या हो सकता है। पहला बैकअप प्लान तो ये है कि आप अपने लोकल कॉलेज में जो पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है उसमें अपना एडमिशन करवा लें, और सब्जेक्ट्स आप वो रखें जो आपको अपने कॉलेज में, जैसे आप DAV में एडमिशन लेना चाहते हैं तो DAV में वो कॉलेज DAV कॉलेज में वो सब्जेक्ट हों, तो आप सेकंड ईयर में माइग्रेशन करवा सकते हो। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है, बट उसके लिए कंडीशन ये होती है कि आपको अपना फर्स्ट ईयर में आपके सब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए, 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, और इसके अलावा आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैच करने चाहिए उस कॉलेज में। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में माइग्रेशन करवाना चाहते हो इन कॉलेजेस से, तो भी आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में जो है वो सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो आपने कॉलेजेस में पढ़े हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपके पास फर्स्ट बैकअप ऑप्शन तो ये है कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेजेस में, क्योंकि पंजाब में काफ़ी सारे हैं, तो उनमें से किसी में एडमिशन करवा लें। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप USOL यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में एडमिशन करवा लें, 15 September लास्ट डेट है, तो 15 September तक आप USOL का फॉर्म भर दें पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, तो आपके जितने भी कोर्स हैं आप USOL से कर सकते हैं। USOL में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आपको क्लासेस जो है वो ऑनलाइन अटेंड करनी होती हैं, बहुत कम क्लासेस होती हैं, हफ्ते में 1-2 lecture बस। तो आपकी डिग्री वैसे सेम होती है USOL की और रेगुलर की, और USOL में आप सेकंड ईयर में आ करके अपना रेगुलर में जो है वो एडमिशन करवा सकते हो।
या फिर जो लेट सीटें खाली होती हैं उनमें भी आप यूसोल से माइग्रेशन करवा सकते हो। तो ये ऑप्शंस हैं। अब मत कहना कि भैया आपने नहीं बताया, मैंने वैसे मेरा ये था कि मैं 25 सितंबर को ये वीडियो बनाऊँगा, 25 अगस्त को ये वीडियो बनाऊँगा आपकी जो सीटें खाली हैं उसकी लिस्ट जब आ जाएगी उसके बाद, बट क्वेश्चन आ रहे कि भैया हमें टेंशन हो रही है वीडियो बना दीजिए, तो वीडियो मैंने बना दी है। अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कॉलेज में जाएँ, जा करके पता करें, मैंने ऑप्शन सारे आपको बता दिए हैं। अगर फिर भी नहीं होता तो यूसोल में एडमिशन ले लीजिए और सेकंड ईयर में माइग्रेशन करवा लीजिएगा। बट सब ध्यान रखना कि जहां आपने माइग्रेशन कराना है, अगर आपको इवनिंग डिपार्टमेंट में माइग्रेशन करवाना है तो इवनिंग डिपार्टमेंट में पता कर लीजिए कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, वही सब्जेक्ट आप यूसोल में अपने पास रखें। सो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आपकी क्वेरीज, आपके डाउट, आपकी टेंशन खत्म हो चुकी होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम हैंडल पर भी आ जाइए, क्योंकि वहां से हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है।